हेलो एवरीबडी वेलकम टू ट्रिपल एस माय नेम इज़ गौहर आई एम प्रोवाइडिंग यू अ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर सीरीज ऑन द पोर्शन ऑन कापरेटिज़ विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ द सेलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार कॉपरेटिव सोसाइटीज़ ये जो लेक्चर सीरीज मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ इट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट देर इज नो रजिस्ट्रेशन फीस एंड द कंटेंट वी टॉप नॉच एंड टॉप क्वालिटी तो आई हैव अ कपल ऑफ़ थिंग्स टू से बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर पहली इंपॉर्टेंट चीज़ य है द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर दिस पोस्ट इज़ सिक्सटीथ जून दैट इज़ वी स्टिल हैव फाइव डेज़ लेफ्ट वी आर नाट श्योर वो एक्सटेंड किया जाएगा या नहीं लेकिन आपको ये फॉर्म सबमिट करना चाहिए एज़ सून एज़ पॉसिबल सेकेंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज़ दैट जो क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए आई एम रिपीटिंग अगेन इट इज़ सिंपल ग्रेजुएशन इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी आप आर्ट से हो कॉमर्स से हो किसी भी फील्ड से हो अगर आपके पास एक बैचलर्स डिग्री है आपके पास रिजल्ट कार्ड है आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट है यू आर फ्री टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट अगर आपका रिजल्ट निकला हुआ है आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं हाउ अगर आप फाइनल सेमेस्टर में बैठे हैं फ़ाइनल ईयर में बैठे हैं लेकिन आपका रिज़ल्ट अभी नहीं आया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट अनाउंस हेयर इज़ दैट दिस पोस्ट इज़ अ गेजटड पोस्ट अगर आप एस एस बी के थ्रू कोई भी पोस्ट क्वालिफाई करते हैं कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं यू विल ड्रीम ऑफ सुपर एनिवेटिंग आप आ, आ, क्या कहते हैं खाब देखेंगे कि हम असिस्टेंट रजिस्ट्रार लेवल की पोस्ट पे रिटायर होते तो अगर आप यू आर ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग एन ऑफिसर एट द स्टार्ट ऑफ योर गवर्नमेंट सर्विस तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए इफ़ यू आर कन्विंस दैट यू आर रेडी टू वर्क हार्ड आप मेहनत करने के लिए तैयार है तो वी स्टिल हैव सम समाइव मंथ्स लेफ्ट बिफोर द एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए ठीक है तो लेट स्टार्ट द लेक्चर आई स्टार्ट विद द एम सी क्यू बेस्ड ऑन लेक्चर नंबर वन दिस इज़ लेक्चर टू ऑफ द सीरीज़ तो लेट स्टार्ट तो द फर्स्ट एम सी क्यू से इज़ वेयर इज आई सी एड क्वाटर्ड इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के हेड क्वार्टर्स कहाँ पे हैं तो इसका आंसर है बी बेल्जियम बाय द वे अर्जेंटीना इज़ अ साउथ अमेरिकन कंट्री तो जिसमें से बहुत सारे मशहूर फुटबॉलर्स हैं हमारे पास जैसे मेसी है ही इज़ वेरी फेमस और मैरिडोना ही इज़ ऑल्सो फ्राम अर्जेंटीना तो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं हु इज़ द करंट प्रेजिडेंट ऑफ आई सी ए तो हमारे पास ऑप्शन है मोनिक लीरक्स एरियल को एडवर्ड ओवेन ग्रीनिंग एंड नन ऑफ द अबाव तो इसका आंसर इज एरियाल को जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी एरियाल गोआरको खुद अर्जेंटीना से है तो ये आ, क्या कहते हैं अपॉइंट हुए थे एज प्रेसिडेंट ऑफ आईसीए इन द ईयर 2017 जो आ, क्या कहते हैं गवर्निंग बॉडी है, है आईसीए की दैट कंसिस्ट ऑफ 691 मेंबर्स जिसमें से 671 ने वोट किया था इन फेवर ऑफ़ एरियल गोआर को ठीक है दिस इज़ ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है दीज नंबर्स तो सिंपली आप याद रखिए एरियल गोआर को इज़ द प्रेजेंट प्रजिडेंट ऑफ आई ठीक है जो ऊपर लिखा हुआ है मोनिक लिरक्स वो इससे पहले प्रेसिडेंट थे 2017 तक ये 2017 तक प्रेसिडेंट थे और जो हमारे पास ये लिखा है एडवर्ड ओवन ग्रीनिंग ये फर्स्ट सेक्रेटरी थे क्या कहते हैं इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलाइंस के एडवर्ड ओवन ग्रीनिंग बाय द वे 1963 में ये जो सेक्रेटरी का पोस्ट है ये एबॉलिश किया गया अब देर इज़ नो मोर पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी अवेलेबल इन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलाइंस तो इन वी हैव वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू टेल यू हेयर जो uh, और एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट है नेक्स्ट टू प्रेजिडेंट उस पोस्ट को कहा जाता है डायरेक्टर जनरल ठीक है जो अभी आई के डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है ब्रूनो रोलेंड्स बी आर यू एन ओ आर ओ एल एन टी एस ठीक है ब्रूनो रॉलेंट्स जो करंट है डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस तो यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल ठीक है मूविंग ऑन द थर्ड क्वेश्चन इज व्हेन विल द इंटरनेशनल डे ऑफ कॉपरेटिव 2021 बी सेलिब्रेटेड हमने आपको पहले ही कहा था इस साल ये सेलिब्रेट किया जाएगा ऑन द थर्ड ऑफ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन दैट इज फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को यह हर साल सेलिब्रेट किया जाता है तो दिस ईयर ऑन दिस ईयर दैट इज़ इन ट्वेंटी द इंटरनेशनल डे ऑफ कापरेटि विल बी सेलिब्रेटेड ऑन द थर्ड ऑफ जुलाई ट्वेंटी मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन से वट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ काऑपरेटिव तो अगर आप पहला देखेंगे ए इट इज़ द आई सी ए सेंटीनियल एंड द नेक्स्ट हंड्रेड ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन ये जो थीम है ये पहला थीम था जो नाइनटीन हंड्रेड नाइन्टी फाइव में पहली बार यू एन की तरफ से इंटरनेशनल डे ऑफ काऑपरेटिव को सेलिब्रेट किया गया तो ये जो पहला ए है इट इज़ द थीम ऑफ द फर्स्ट सेलिब्रेशन बाय यू एन तो सेकंड है हमारे पास कूप्स फॉर डिसेंट वर्क बाय द वे जो हमारे पास इंटरनेशनल डे ऑफ काऑपरेटिव है इसको शॉर्ट में कूप्स डे भी कहा जाता है कूप्स डे ठीक है कूप्स डे ये जो कूप्स फॉर डीसेंट वर्क है ये 2019 का थीम था समझ आ रही है थोड़ा यहाँ पे क्लटर हो गया आई क्लियर इट ऑफ तो ये जो हमारे पास कूप्स फॉर डीसेंट वर्क है ये 2019 का थीम है जो कोऑपरेटिज फॉर क्लाइमेट एक्शन है ये 2020 का थीम है और जो हमें याद रखना है अभी रीबिल्ड बेटर टमोारो दिस इज़ द ट्वेंटी ट्वेंटी वन थीम फॉर इंटरनेशनल कॉपरेटिव डे और द इंटरनेशनल डे ऑफ कॉपरेटिव ठीक है मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फाइव विच आर द फॉलोइंग इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉपरेटिव फर्स्ट इज वॉलेंट्री एसोसिएशन वी आर हंड्रेड परसेंट श्योर ये एक वॉल्ट्री एसोसिएशन है जब भी आप एक कोऑपरेटिव uh, uh, में ज्वाइन करना चाहते हैं ये कंप्लीटली आपकी विल और डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है अपनी मर्जी से आप ज्वाइन भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से आप छोड़ भी सकते हैं तो नंबर ए इज़ एन इम्पॉर्टेंट करेक्ट्रिस्टिक सेकंड इज़ इट इज़ अ लीगल एंटिटी वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस कि एक जो कॉपरेशन है इट इज़ इन इटसेल्फ अ लीगल एंटिटी इस पर केस हो भी सकता है ये केस कर भी सकता है इट कैन बी स्यूड एंड इट कैन स्यू एज वेल ये रिसोर्स खरीद भी सकता है अपने नाम पर और एसेट्स अपने नाम पर तो तीसरा है प्रपोशनैलिटी और equality. प्रपोर्शनैलिटी और इक्वालिटी भी एक इम्पॉटेंट करेक्टरिस्टिक फ़ीचर है कोऑपरेटिव का जिसके बारे में वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट के प्रपोर्शन के हिसाब से जितना एक मेंबर जो है बिज़नेस को अफेक्ट करेगा जितना सेल्स या रेवेन्यू जनरेट कर पाता है वेदर वो खुद ख़रीदे या आउटसाइड से कराए तो उस हिसाब से उसका जो सरप्लस है बाई द वे जो कॉपरेटिवस का जो प्रॉफिट होता है उसका एक खास नाम है उसी को सरप्लस कहा जाता है ठीक है द प्रॉफिट विच द कोऑपरेटिव्स अर्न एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड सरप्लस ठीक है तो ये जो सरप्लस है ये डिवाइड uh, होता है ऑन द बेसिस ऑफ किसने कितना इफेक्ट किया ऑन द वर्किंग ऑफ अ कोऑपरेटिव नॉट ऑन द बेसिस कि किसी बंदे के कितने शेयर्स है एक कॉपरेटिव में इक्वालिटी का भी आपको पता है कि ऑल पीपल आर इक्वल और ये एक डेमोक्रेटिकली मैनेज इंटरप्राइज होता है तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाव दैट इज़ डी ठीक है चलिए लेट्स मूव ऑन तो जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉपरेशन अगर हम कॉपरेशन करते हैं हम क्यों करते हैं ठीक है पहली जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है मोस्टली काप्रेशन फॉर्म की जाती है बाई द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ठीक है तो ये ज़्यादा इकनोमिकली एम्पावर्ड लोग नहीं होते हैं ठीक है मार्जिनाइलाइज सोसाइटी मार्जिनालाइज्ड लोग जो होते हैं फ्राम अ मार्जिलाइज सोसाइटी लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी से जो लोग होते हैं मोस्टली वही काप्रेशन फॉर्म करते हैं तो ये काप्रेशन बड़ी तब बनती है जब इसके मेम्बर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लाइक वी हैव अमूल ये इट इज़ अ कापोरेशन इट्स अ डेयरी कॉपोरेशन ऑफ थर्टी सिक्स लैब फार्मर्स ये और बहुत एक प्रॉफिटेबल कॉपरेशन है एंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड बाय द वे इंडिया का जो टॉप जो बेस्ट और सबसे बड़ा कॉपरेशन है उसका नाम है इफको इफको ठीक है तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे वेन वी स्टडी अबाउट द जो कॉपरेटिव अलाइंस एक रिपोर्ट uh, सबमिट करता है पब्लिश करता है ईयरली जिसका नाम है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव सॉरी जो ये रिपोर्ट सबमिट करता है ईयरली जिसका नाम है वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर उसमें हम इफको के बारे में पढ़ेंगे और जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड ठीक है तो चलिए वील गो टू द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव विच इज़ द एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन ठीक है देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा बाय वे वे ऑफ विच यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन मीन्स तो हमारे पास एक गांव है वी हैव अ रूरल एरिया जहां पे दस फार्मर्स हैं दस लोग रहते हैं टेन हाउस होल्ड्स है विच हैव अ डेली सर्टन वेजिटेबल प्रोड्यूस यानी ये हर दिन कुछ अमाउंट ऑफ सब्जी प्रोड्यूस कर पाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट से एक्स्ट्रा ठीक है तो ये रूरल एरिया में है ये हर दिन अपना टेन के जी प्रोड्यूस भेजना चाहते हैं लेकिन मार्केट्स वहाँ पे उतने अवेलेबल नहीं हैं क्योंकि जितने भी लोग उस एरिया में रहते हैं वो अपना अपना प्रोड्यूस अपना अपना रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर पाते हैं अपने हिसाब से ही यानी उनको खुद बाहर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो अब इनके पास एक्स्ट्रा चीज़ है ना ये सरप्लस जिसको कहेंगे ये बाय द वे दिस सरप्लस इज़ डिफरेंट फ्रॉम जो हमने प्रॉफिट्स का सरप्लस कहा था यहाँ पे सरप्लस का मतलब है एडिशन ठीक है वहाँ पे सरप्लस का मतलब कम्प्लीटली सिंपल टर्म्स में है प्रॉफिट्स ठीक है तो ये जो टेन के जी ये एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं ना पांच फार्मर्स या दस फार्मर्स वेजिटेबल्स का तो इनको अब ये बेचने के लिए एक मार्केट देखना पड़ेगा वो मार्केट है शहर की मेजर मंडी जहाँ पे ये भेजा जाता है अब ये दस दस किलो लेके हर दिन वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि ये दस किलो फॉर एग्ज़ाम्पल इनको वहाँ पर कॉस्ट जैसे पाँच मिलेगा उसमें से दो सौ रुपये इनका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का खर्च हो जाएगा ठीक है एंड दे विल हैव टू गिव देयर टाइम एज वेल तो इससे बचने के लिए ये क्या करते हैं एक बंदा होता है विच कवर्स देयर एरिया जिसका नाम होता है जो होता है हु एक्ट्स एज मिडल मैन तो ये जो मिडल मैन है ये जो इनके ये टेन टेन के जीज है ये इनसे खरीदता है यहीं पर इन दियर लोकेलेटीज़ एट अ वेरी लो प्राइस ठीक है सपोज ये इनको पर के जी पाँच पाँच रुपये देता है ठीक है ये भी सोचते हैं कि हमें जाना नहीं पड़ेगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी बचेगा दिस इज़ ओके फॉर अस फाइव रुपीज़ पर के जी वेजिटेबल्स ये खरीदते हैं तो ये जो मिडल मैन है ये ऐसे ही बहुत सारे गाँव में जाता है बहुत सारे रूरल एरियाज़ में जाता है वहाँ से ये वेजिटेबल प्रोड्यूस इकट्ठा करके कलेक्ट करके खुद जाता है मेजर जो शहर की मंडी हो वहाँ ठीक है यहाँ पे बेचता है यही सेम जो इसने खरीदी चीज़ें इसका अपना ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी होगा इसकी चैनल्स भी होंगी वगैरह वगैरह जान पहचान भी होती है तो ये मंडी में जाके ये पाँच रुपये का बेचता है वहाँ पर दस रुपये में समझ आ रही है पहली चीज़ तो ये है मिडल मैन इनका प्रॉफिट खा जाता है ठीक है कम से कम इन इनको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट वॉस्ट दे ही शुड हैव गिवन देम एट रुपीज़ पर केजी जिससे कम से कम इनको एक सर्टन गुड अमाउंट ऑफ मनी उनकी मेहनत के हिसाब से उनको मिलता लेकिन ऐसा नहीं होता पहली चीज़ ये रही अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है ये जो मिडल मैन है ये कंट्रोल करता है डिमांड और सप्लाई को भी ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारे पास फार्मर्स है और यहाँ से हमारे पास मंडी है ये देखिए क्या कहता है ये मंडीज़ को कहता है अभी प्रोड्यूस कम है जबकि यहाँ से प्रोड्यूस सेम होता है दैट इज फार्मर्स आर एबल टू प्रोड्यूस द सेम अमाउंट एवरी डे लेकिन ये इनको कहता है मंडी वालों को जो यहाँ पे खरीदने वाले उनको कहता है यहाँ से मेरा प्रोड्यूस कम है अगर आप चाहते हैं खरीदना देन यू विल हैव टू पे मी ट्वेल्व रुपीज़ इन प्लेस ऑफ टेन डेली समझ आ रहा है तो इससे ये डिमांड सप्लाई का जो डायनेमिक्स है उस पर अफेक्ट डालता है सेम इज़ द केस इनको भी कह सकता है फार्मर्स को कि अभी उतनी डिमांड नहीं है और आपकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको पाँच रुपये पहले पे कर रहा था नाउ आई विल बी एबल टू पे यू जस्ट थ्री रुपीज़ पर के जी तो इससे इनके इकोनॉमिक कंडीशन पे भी फ़र्क पड़ता है और डिमांड और सप्लाई पे भी फ़र्क पड़ता है तो आई होप यू अंडरस्टैंड एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन इम्पॉर्टेंट क्यों है पहली चीज़ तो जो फार्मर्स होते हैं ना इन टाइप ऑफ सोसाइटीज़ को जहाँ पे क्या कहते हैं लोग खुद अपना प्रोड्यूस देते हैं उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स में उनको कहा जाता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स तो ये प्रॉब्लम सारे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स की है लेकिन एसेंशियली प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स की है ठीक है तो मिडल मैन को एलिमिनेट करने से तो एक तो डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाता है और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको बेटर प्राइस मिलता है उनकी क्रॉप्स का और उनके प्रोड्यूस का ठीक है तो ये कहता है द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू रिमूव द मिडल मैन इन डिफरेंट फील्ड्स हु टेक अवे द गेंस दैट शुड हैव गॉन टू द रियल बेनिफिशरीज ठीक है तो ये तो आपको समझ आया लेकिन आपको समझने की ज़रूरत ये है मिडल मैन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं लेकिन उसके फंक्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते ठीक है फंक्शन वहीं पे रहेगा तो जब कॉपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हुई दो चार फार्मर्स या दस बीस फार्मर्स इकट्ठे हुए तो इन्होंने फॉर एग्जांपल अपना आप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखा तो जो इन्होंने लो, लोड कैरियर कर, खरीदा जो हर दिन ऐसे सिमिलर फार्मर्स का सारा माल मंडी में ले जाता है देखो मिडल मैन का काम तो किसी न किसी को करना पड़ा लेकिन ये अब क्योंकि दे आर वर्किंग फॉर देम ये अब डिमांड और सप्लाई पे इफेक्ट नहीं डालेंगे और ये बीच में पैसा नहीं खाएंगे ठीक है तो फंक्शन रिमेन्स बट द मिडल मैन आर एलिमिनेटेड सो दिस इज एलिमिनेशन ऑफ मिडल मैन तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है सेकेंड इज रेजिंग द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पोअर ठीक है इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब ये है कि जो मेहनत के हिसाब से उसको मुआवजा मिलना चाहिए एक प्रोड्यूसर को जो फार्मर है जो प्रोड्यूस करता है या जो मेहनत करता है जब उसको अपने मुआवजे के अपनी मेहनत के हिसाब से वेज्स मिलेंगे तो ही विल बी हैप्पी तो उसका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विल बी बेटर ही विल बी इकोनॉमिकली स्टेबल और उसका स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग बढ़ जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग सिर्फ ये मतलब नहीं है उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे उसके पास मेंटल सेटिस्फेक्शन भी होंगी होगी जो अगर आप देखें ना जो लोअर तबका होता है सोसाइटी का मैं आपको दिखाता हूँ देर इज दिस वाई कर्व वाई कर्व का क्या मतलब है ये लोअर सो so, uh, क्या कहते हैं स्ट्रेटा है सोसाइटी का और ये हायर स्ट्रेटा है सोसाइटी का कहने का मतलब ये गरीब लोग हैं नीचे इस कर्व में ये जो कर्व है और नीचे ये नीचे वाले पोर्शन में देर आर पुअर पीपल एंड दिस पोर्शन इज फुलफिल्ड विथ अप दिस इकोनॉमिकली वेल ऑफ पीपल ठीक है लोअर पोर्शन में क्या होता है ये जो एक लेग है ना ये मेंटल स्टेबिलिटी की लेग है और जो लेफ्ट लेग है ना ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की लेग है जो लोअर स्टेटा जो होते हैं ना गरीब लोग उनका जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है ना वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है समझ आ रहा है जो लोग गरीब होते हैं जब वो पैसे उनको उनके पास अगर अच्छे खासे पैसे हो तो वो मेंटली भी खुश होते हैं जबकि ये केस हायर स्ट्रेटा में नहीं होता है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जब आप बहुत अमीर बनते हैं कि आपके पास पैसा हो तो आप खुश भी रहेंगे इट्स नॉट नेसेसरी लेकिन बाय एंड लार्ज लोअर स्ट्रेटा में जो ये नीचे वाली लेग है इसीलिए दीज टू लेग्स आर क्लोज़र एट दी बॉटम क्योंकि गरीब लोगों का क्या होता है खुश रहने का तरीका कि आपके पास पैसे हो यू विल बी मेंटली हैप्पी एज वेल ठीक है तो ये तो हो गया ये तो मूविंग ऑन तो आपको आ गया समझ रेजिंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पोअर तो नाउ वी हैव द थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉपरेशन इज रिमूवल ऑफ़ द इल्स ऑफ कैपिटलिज्म अगर आपको पता होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है इट स्टार्टेड इन द ईयर 1760 से इसको कंसिडर किया जाता है अपटू एटीन हंड्रेड ठीक है इस पीरियड को कहा जाता है बूम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जबकि जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ना ये स्टार्ट हुई इन द ईयर 1844 ठीक है जस्ट आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंडेड ठीक है रीज़न क्या था इसमें क्या हुआ जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ इसमें कैपिटलिस्ट्स ने दे स्टार्टेड टेकिंग ओवर द इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ जो सेटअप हुई कैपिटलिस्ट्स ने की कैपिटलिज्म का मतलब ये है रिसोर्स आर कंट्रोल्ड बाय अ वेरी फ्यू पीपल इन द सोसाइटी समझ आ रहा है एक बंदे के पास क्लोथ की मिल है और किसी के पास नहीं है तो ये सब लोग जो यहाँ क्लोथ की मिल में काम करते हैं उनसे बहुत ज़्यादा मजदूरी कराता है ठीक है तो उनको वेज प्रोवाइड नहीं करता उस हिसाब से जितनी वो मेहनत करते हैं अगर आपने देखा होगा कैपिटलिज्म का बहुत फेमस एग्जांपल जो है वो आपको मिलेगा एक मूवी रिसेंटली रिलीज़ हुई थी ईयर अगो जिसका नाम था के वो अगर आपने देखा होगा कैसे वहाँ मजदूरों को काम कराते हैं वहाँ गोल्ड माइन्स में गोल्ड फील्ड्स में ठीक है यश की मूवी है ये वगैरह वगैरह तो वहाँ एक्सप्लाइटेशन हो जाता है पुअर का और लोअर क्लास का ठीक है कॉपरेशन में होता है इंडिविजुअल ंग और मास प्रोफिट्स उनका मोटिव होता है जबकि हमारे पास जो कॉपरेटिव <coughs> होते हैं दे आर एक्चुअली बेस्ड ऑन इक्वैलिटी ठीक है सब लोग बराबर है कैपिटलिज्म जो है ये क्रिएट्स इट क्रिएट्स क्लास इट क्रिएट्स स्ट्रगल इट क्रिएट्स इनिक्वेलिटी ठीक है जबकि कॉपरेटिव जो है दे ब्रिंग पीपल टुगेदर वेयर एज कैपिटलिज्म टीयर्स दम अपार्ट ठीक है तो दिस इज़ वॉट ही राइट हेयर इट रिमूवज द इल्ज ऑफ कैपिटलिज्म इट इज़ वेरी ईजी द बेसिक कॉज ऑफ़ द इल्स ऑफ कैपिटलिज्म इज़ द प्रॉफिट मोटिव वो आपको पता है काऑपरेटिव में प्रॉफिट मोटिव होता ही नहीं है इसका मेन मोटिव होता है सर्विस करना टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मैंबर्स अगर प्रॉफिट बना अच्छा है नहीं बना देट इज़ ऑल्सो तो हमारे पास स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉपरेटिव होते हैं जिनमें ये मकसद ही नहीं होता है प्रॉफिट्स uh, भी लेना उनको कहा जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट कापरेटिव जो हम आगे देखेंगे तो दिस लीड्स टू एक्सप्लाइटेशन क्लास स्ट्रगल इकोनॉमिक इनिक्वालिटी अमीर बहुत अमीर होते जाते हैं गरीब बहुत गरीब होते जाते हैं एंड अनफेयर कंपटीशन ठीक है दीज इवल्स एडवर्सली अफेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड गेव बर्थ टू कोऑपरेटिव मूवमेंट जो हम देखेंगे कोऑपरेटिव मूवमेंट की जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे हम देखेंगे कैसे क्या हुआ देयर फॉर द एम ऑफ कोऑपरेशन इज़ टू रेस्ट्रिक्ट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड प्रोवाइड बेटर सर्विस टू इट्स मेम्बर्स विच वी ऑलरेडी नो अबाउट ठीक है अब देखिए रेजिंग जो चौथा पॉइंट है कॉपरेटिव फॉर्मेशन का ऑब्जेक्टिव का दैट इज रेजिंग मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ इट्स मेम्बर्स देखिए होता क्या है अगर आपने स्टार्ट से देखा होगा कल के लेक्चर में भी मैंने आपको कहा कि कॉपरेशन इज कमिंग टुगेदर फॉर अ कामन गुड गुडनेस अच्छे काम के लिए इकट्ठे आना समझ आ रही है अगर चार लोग इकट्ठा होते हैं फोर पीपल कम टुगेदर बैंक लूटने के लिए ये कॉपरेशन नहीं है दिस इज़ नॉट कॉपरेशन ठीक है फो फोर पीपल कम टुगेदर ये पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करेंगे दिस इज़ नॉट कॉपरेशन कॉपरेशन तब कहा जाता है जो सोसाइटल प्रिंसिपल्स होते हैं मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं रिलीजियस प्रिंसिपल्स होते हैं एक कम्युनिटी एक सोसाइटी के अगर वो उसको व्यू करे एज़ पॉजिटिव तब उस चीज़ को कहा जाएगा कॉपरेशन अदरवाइज वो कापरेशन नहीं है तो अगर कुछ लोग आते हैं इकट्ठे तो uh, कहीं पे ड्रेन का मैन होल इज़ मिसिंग दे कम टुगेदर दे पुल देयर मनी ये इसको रिपेयर करते हैं या अपने पैसों से रोड को रिपेयर करते दिस इज़ कोऑपरेशन क्योंकि ये काम अच्छा है अगर ऐसा काम हो विच हैज़ ए नेगेटिव और इल इफेक्ट तब वो कोऑपरेशन नहीं होगा जैसे चोरी करना जैसे मैंने कहा चार लोग इकट्ठा आते हैं तो वो चोरी करते हैं तो दिस इज़ नॉट अगर फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे एक चीज़ है दिस इज़ अ बिट ह्यूमरस एज वेल तो अगर उनमें से एक पकड़ा जाए तो फिर उसको पुलिस के साथ कॉपरेट करना पड़ेगा ताकि वो बाक़ी तीनों पकड़े जाए तब इन दोनों पुलिस का भी और उस बंदे का भी एम होगा कि बाकी तीन पकड़े जाए और पुलिस इसको क्या कहता है अगर आप मुझे हेल्प करेंगे आप मेरे साथ कॉपरेट करेंगे तो मैं आपकी सज़ा कम करा दूँगा ठीक है तो ये मैं आपको कह रहा था इससे क्या हो जाता है इट रेज़ द मॉरल स्टैंडर्ड जब आप अच्छा काम करते हैं ना दैट रब्स ऑन यू इसीलिए हमने कहा है कि यू शुड यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप ठीक है तो आप अच्छे लोगों के साथ क्योंकि कॉपोरेशंस का काम ही होता है इकोनॉमिकली uh, क्या कहते हैं स्टेबलाइज करना है एक कम्यूनिटी को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देना सोशल एम्पावरमेंट देना तो ये अच्छे काम है इसकी वजह से जो इसके मेंबर्स होते हैं वर्कर्स होते हैं इवन जो एम्प्लॉयज़ भी होते हैं बाय द वे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो मेंबर्स हैं अगर इसका ऑपरेशन ज़्यादा बढ़ जाता है तब ये लोगों को हायर भी करते हैं इन अ वे दे आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एज़ वेल ठीक है तो उसकी वजह से जब जो मैंने आपको कहा जो एम्प्लॉज़ भी होंगे और मेंबर्स भी होंगे कोऑपरेशन का क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे हैं और एम्प्लॉज़ को भी पता है जो मेंबर्स है प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं तो इससे ये इनका मॉरल स्टैंडर्ड सेट हो जाता है और ये अच्छे लोग बन जाते हैं ठीक है थीके? तो दैट इज़ वॉट ही इज़ राइटिंग हेयर कोऑपरेटिव मूवमेंट विशेज टू डायरेक्ट ह्यूमन लाइफ टूवर्ड्स गुडनेस बाई रेजिंग देयर मॉरल स्टैंडर्ड्स ठीक है चलिए मूविंग ऑन तो नंबर फाइव पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉपरेशन इज़ इट इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द होल कम्युनिटी देखिए जब भी जो हमने पहला ही पॉइंट डिस्कस किया जब आपने किसी को पैसा प्रोवाइड किया उस हिसाब से जो उसको मिलना चाहिए जब हमने एलिमिनेट किया मिडल मैन को तो इकोनॉमिकली उसका स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाता है इस क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज जिसकी वजह से पूरी कम्युनिटी खुश रहती है दे प्रॉस्पर दे डेवलप ठीक है तो अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एम्स एट ब्रिजिंग एम्स एट ब्रिंगिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ नॉट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल बट ऑफ द होल कम्युनिटी जैसे मैंने कहा इट अपोजिज कैपिटलिज्म इट इज़ इन अ वे ऑपोजिट टू कैपिटलिज्म कोऑपरेटिव सोसाइटी एक खुद इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है लेकिन इट स्टिल इज इन अ वे ऑपोजिट टू कैपिटलिज्म ठीक है तो नंबर सिक्स पॉइंट इज इट वर्कस ऑन एबॉलिशन ऑफ सोशल इनक्वैलिटीज़ तो ये हमने करेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था कि ये इनक्वेलिटीज़ को ख़त्म करते हैं वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है ऑन द बेस ऑफ क्लास आप किसी को शेयर दें नो एनी बडी हु इज़ विलिंग टू वर्क इन अ कोऑपरेटिव ही कैन ज्वाइन वॉल्टरली एंड ही कैन रिज़ाइन और क्विट वॉल्टरली तो कोपरेटिव का मेन मकसद भी यही है कि इनिक्वालिटीज़ को ख़त्म किया जाए किसी के मन में ऐसे नहीं रहे कि वो छोटा है ये बड़ा है उसकी वजह से क्या होता है जो सोशल टेंशनस होते हैं वो भी वो भी ख़त्म हो जाते हैं the social tensions the social problems in a society the class struggle it is all eliminated and the society as a whole becomes more happy and content so that is what it is written here the feeling of high or low among the members of a community act as a cause of social tensions the removal of which is the goal of a cooperative movement जब हम सोशल इनक्वल्टीज़ को ख़त्म भी करते हैं ना उससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है लोगों का समझ आ रही है बात तो अबाउट दिस सोशल इनक्वैलिटीज़ को ख़त्म करने में वी हैव अ कोट फ्रॉम गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी हैज़ सेड देर इज़ स्वीटनेस इन कॉपरेशन देर इज़ नो वन देर इज़ नो वन वीक और स्ट्रॉग दोज हु कोपरेट यानी कोई कमज़ोर या कोई ताकतवर नहीं होता ईच इज़ इक्वल टू अदर सब लोग एक जैसे होते हैं ठीक है, सोशल इन भी बाय द वे गांधी जी ने बहुत काम किया है टू अबॉलिश सोशल इनइक्वैलिटीज ठीक है लेट्स मूव ऑन तो हमने कहा है कि ये जो एक कैरेक्टरिस्टिक भी था इट शुड हैव रिलीजियस न्यूट्रैलिटी इट शुड बी पॉलिटिकली न्यूट्रल यानी यहां पे लिखता है ये एज फार एज पॉसिबल अ कोऑपरेटिव रिमोन अलूफ फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिलीज़स ग्रुप्स ठीक है ये है एक आ, क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेकिन इट्स नॉट कम्प्लीटली इन रियलिटी रियलाइज्ड इन कंट्रीज लाइक आर्स जो हमारे पास ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है डेवलपिंग इकोनॉमीज है या थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज़ है वहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्टिव रियली कंप्लीट सेंस में रियलाइज नहीं होता यहाँ पे अगर आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल यू एस में दिस ऑब्जेक्टिव इज़ रियलाइज वहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है सच में क्योंकि वहाँ जो उनका कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे यू एस यू एस कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ पर उन्होंने स्टार्ट में मोस्ट प्रोबेबली इन द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ़ द यू एस कॉन्स्टिट्यूशन इट्सल्फ तो दे सेपरेटेड द चर्च फ्रॉम द स्टेट उनने कहा ये अलग अलग दो चीज़ें हैं इसीलिए आप डोनाल्ड ट्रंप को कभी नहीं मे बी रेयरली कभी लेकिन बाय एंड लार्ज आप उसको कभी नहीं देखेंगे जब वो प्रेसिडेंट थे द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बाय द वे इज़ जो बाइडन राइट नाउ एंड कमला हैरिस हु इज़ ऑफ इंडियन ओरिजिन शी इज़ द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ यू तो जब आप ट्रंप की प्रेजिडेंसी में अगर आपने देखा होगा या आ, इवन इन द प्रेजिडेंसी ऑफ जो बाइडन ये रिलिजन के बेसिस पे पॉलिटिक्स नहीं करते ये आपको सीधे कहेंगे हम ऐसा डेवलपमेंट करेंगे हम यू को यहाँ पर ले जाएंगे वी वॉन्ट टू सी दिस हम ऐसे मिशन करेंगे न्यूक्लियर uh, प्रोग्राम हमारा ऐसा होगा क्लाइमेट चेंज के बारे में हम क्या सोचते हैं यानी डेवलपमेंटल इश्यूज पे ये इलेक्शंस लड़ते हैं या काम करते हैं विच इज़ नॉट द केस इन दीज एशियन कंट्रीज यहाँ पे रिलीजस और पॉलिटिक्स सीनिक्स इन ईच एंड तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो कापोरेशन भी है ना वहाँ पे रिलीजन और पॉलिटिक्स इज़ अवे फ्रॉम कॉपरेशन यानी कॉपरेशन एक कम्प्लीटली डिफरेंट फिनना है जिसमें ये स्नीक नहीं करते यानी जिसमें इसका पॉलिटिक्स और रिलीजन का दखल अंदाजी नहीं होती जबकि हमारे पास ऐसा केस है अगर आप देखेंगे बहुत सारे जो कापरेटिव है दे आर एक्चुअली मैनेज्ड इंडियन कॉन्टेक्स uh, में मैं बात कर रहा हूँ दे आर मैनेज इन अ वे इन अ वील्ड मैनर एक्चुअली सब को पता है ये एक पोलिटिकल पार्टी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एन सी पी जो है जिसके प्रेजिडेंट है शरद पवार उनकी जो पार्टी है वो बहुत सारे कॉपोरेशंस को महाराष्ट्र में कंट्रोल करते हैं एंड सो ऑन ठीक है तो ये है एक फीचर तो वी थिंक जैसे उस में आ, एक मूवी में कहा गया था कि Uh, कोई भी देश अच्छा नहीं होता इसे अच्छा बनाना पड़ता है तो वी पीपल हैव टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ़ द कंट्री फॉर द बेटरमेंट ऑफ़ आर रिजन फॉर द बेटरमेंट ऑफ आर कम्युनिटी तो के, uh, ऐसा हो कि ये चीज़ें अलग रहे देन द वर्किंग ऑफ द स्टेट और द गवर्नमेंट ठीक है तो द एट पॉइंट इट्स इज़ अ कोपरेटिव एम्स एट प्रोवाइडिंग अपरेट लाइफ टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी तो वीकर सेक्शंस जो मार्जिलाइज सोसाइटी हैं उनको तो पता ही नहीं होता है कैसे वर्क करते हैं ये कॉरपोरेट्स बिज़नेसेस कैसे काम करते हैं तो उनको एक रियल लाइफ फीलिंग देता है कि कैसे काम करना है तो जिसकी वजह से वो दे कम एंड डिवलप एज लीडर्स देम सेल्स समझ आ रही है बात तो अगर कोई कॉपरेटिव का पार्ट बनता है उससे उसमें एक कॉपरेट कॉपरेट कॉरपोरेट लाइफ जो है उसके इथिक्स और उसके वैल्यूज़ इनकल्केट uh, हो जाते हैं जिसकी वजह से ही कैन देन अगर उस उसमें उस बंदे एक बंदे में ऐसी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई देन ही कैन लीव द कोऑपरेटिव एंड फॉर्म हिज ओन बिजनेस एज वेल तो यहाँ पे इसका मतलब यही है अ कोऑपरेटिव एम्स एट प्रोवाइडिंग कारपोरेट लाइफ टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तो यहाँ पे मेरे पास कुछ uh, स्टैटिस्टिक्स है कुछ वैल्यूज़ है तो मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ ऑब्जेक्टिवज़ में इतना ही था हमारे पास तो द फर्स्ट थिंग इज मोर देन ट्वेल्व परसेंट ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द थ्री मिलियन कारपोरेटिव कोऑपरेटिव सॉरी मोर देन ट्वेल्व परसेंट ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ पार्ट ऑफ एनी ऑफ द थ्री मिलियन कोऑपरेटिव इन द वर्ल्ड यानी दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसके जो बारह परसेंट लोग हैं ट्वेल्व परसेंट ऑफ ऑल द ह्यूम दे आर एसोसिएटेड विद कोऑपरेटिवज़ समझ आ रहा है ठीक है तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कहा गया है वर्ल्ड में टोटल कितने कोऑपरेटिव्स हैं थ्री मिलियन कोऑपरेटिव्स ठीक है तो जो टॉप थ्री हंड्रेड कोऑपरेटिव है वर्ल्ड में उनका जो टोटल टर्न ओवर है दैट इज टू वन फोर सिक्स बिलियन यू एस डॉलर तो ये बहुत ज़्यादा है ठीक है इससे इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री पे बहुत फर्क पड़ता है तो ही सेज द लार्जेस्ट थ्री हंड्रेड कोऑपरेटिव एंड म्यूचुअल म्यूचुअल्स रिपोर्ट टोटल टर्नओवर ऑफ टू वन फोर सिक्स बिलियन यूएस डॉलर्स अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड काऑपरेटिव मॉनिटर 2020. बाय द वे जो ये जो मोर वर्ल्ड काऑपरेटिव मॉनिटर है इसका हम बहुत ही डिटेल स्टडी करेंगे मे बी इट विल टेक अस अ कपल ऑफ लेक्चर्स और इवन मोर तो इसको हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है ठीक है तो हम ट्वेंटी का ही पढ़ेंगे अब अगर 2021 का रिपोर्ट uh, आया बिफोर आवर एग्जामेशन दैन वील गो थ्रू दैट एज़ वेल ठीक है तो थर्ड पॉइंट इज कोऑपरेटिज कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबल क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग जॉब्स और वर्क अपॉर्चुनिटीज टू टू एटी मिलियन पीपल अक्रॉस द ग्लोब इन अदर वर्ड्स टेन परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स एम्प्लॉयड पॉपुलेशन ठीक है तो जितने भी वर्क एम्प्लॉयमेंट में लोग हैं पीपल हु आर एम्प्लॉयड जितने भी लोग वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉयमेंट में हैं हु आर एम्प्लॉयड हु आर वर्किंग ऑन सम सैलरी और सम वेज टेन परसेंट जो उसका हिस्सा है दे आर वर्किंग एक्सक्लूसिवली इन कॉपरेटिज़ तो हम ऐसा कह सकते टेन परसेंट इज अ बिग अमाउंट तो कॉपरेटिज़ दे डोंट जस्ट हेल्प इन द इकोनॉमिक और सोशल और कल्चरल अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन क्रिएटिंग जॉब्स एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल समझ आ रही बात ठीक है आई थिंक मेरे ख्याल से जो कंटेंट का पोर्शन है जो लेक्चर का पोर्शन है इसको मैं यहीं पे खत्म करूँगा नाउ आई टॉक अबाउट सम ऑफ़ द क्वेश्चन दैट आई हैव रिसीव्ड यस्टरडे ऑन बोथ द कमेंट सेक्शन ऑफ द दस्टेज लेक्चर एज वेल एज ऑन माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल ठीक है तो uh, चलो लेट्स टेक सम क्वेश्चन नाउ जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे रिसीव किए हैं एंड सम ऑफ क्वेश्चन वे आर पोस्टेड इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द लास्ट लेक्चर एज वेल तो लेट स्टार्ट दो पहला क्वेश्चन है मैंने इन सारे आई एम नॉट नेमिंग एनी बडी ये किस किसने क्वेश्चन दिए है क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन मल्टीपल कैंडिडेट्स या मल्टीपल स्टूडेंट्स ने पूछे थे तो मैं उनका क्लब करके एक क्रक्स आपको बता रहा हूँ वो क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं एंड देन आई ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ डैट वन बाई वन तो पहली चीज़ ये है कि सर मोस्ट ऑफ़ द क्वेश्चन अगर इफ़ आई रिसीव रिसिव फिफ्टी क्वेश्चन उसमें से फिफ्टी परसेंट ऑफ़ द क्वेश्चन दैम सेल्स दे आर सिंग सर डोंट लीव अस मिट वे तो आप सर छोड़िएगा नहीं यू डोंट वरी यू बी एट ईज मैं यहाँ uh, इसलिए ही आया हूँ ताकि आपको कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन विद टॉप क्वालिटी ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्री एजुकेशन टॉप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ इट विल बी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी एजुकेशन यू डोंट वरी मुझे नहीं पता आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर फ्राम दीज एप्रशन कम टू योर माइंड कि मैं छोड़ूंगा क्यों तो मैं नहीं छोड़ूंगा यू डोंट वरी तो इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ दिस लेक्चर सीरीज़ जो स्टूडेंट्स रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो उनके लिए मैं क्या कहते हैं एक सेपरेट लेक्चर सीरीज़ ले आऊँगा जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कापरेटिव के बारे में करंट जो इश्यूज है प्रॉब्लम्स है वगैरह वगैरह इंटर क्या कहते हैं टॉपिक्स है ऑफ कॉपरेटिव रिलेटेड टू कोपरेटिव उसमें हम वो डिस्कस करेंगे दैट विल हेल्प स्टूडेंट्स टू डिवलप और डिवलप देयर माइंड्स इन रिसीविंग एंड आंसरिंग द इंटरव्यू क्वेश्चन इन अ बेटर वे समझ आ रही बात तो यू डोंट वरी आई एम हेयर टू स्टे तो इनशाला आई हैव अ लॉन्ग एसोसिएशन विद ट्रिपल एस तो दिस इज़ वन तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास बुक्स के बारे में बुक्स के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे बुक्स बताइए सर बुक्स बताइए तो बुक्स के बारे में मैं बस इतना अभी इतना ही बताऊंगा कि तो अभी आप बुक्स की तरफ ध्यान मत दीजिए अभी जो मैंने आपको ये दो लेक्चर्स प्रोवाइड किए इसका मोस्ट कंटेंट सिर्फ एक ही सोर्स है लेकिन ऐसे जैसे जैसे वी मूव फॉरवर्ड ना तो आई एल बी यूजिंग मेनी अदर रिसोर्स एज वेल ठीक है तो आप वो एक्चुअली यू वॉन्ट बी एबल टू अफोर्ड दैट एज वेल दैट विल बी अ बिट ऑफ क्या मैं कहूँ ये वो मुश्किल हो जाएगा आपको परचेज करना उतने पैसों का जो आपका जो भी कंटेंट है ओनली ऑन द कोऑपरेटिव पोर्शन अगर आप वो सही से खरीदें इट विल कॉस्ट टू थाउजेंड रुपीज़ ठीक है इनफैक्ट जो मैंने क्या कहते हैं आपको पढ़ाना है लॉज के बारे में एक सेपरेट पोर्शन डिटेल्ड जो कोऑपरेटिव लॉज है इस्पेशली इन इंडिया एंड इन द कॉन्टेक्सट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उसमें मैंने एक फ्रेंड से एक आ, मेरा एक फ्रेंड है उनसे मैंने किताब ली है ऑन कोऑपरेटिव्स जिसमें कोऑपरेटिव लॉ लॉ के बारे में बताया गया है वो एक पब्लिकेशन है अगर आपको पता होगा स्प्रिंजर की दैट बुक कास्ट्स अलोन दैट बुक ऑन कोऑपरेटिव लॉ दैट कॉस्ट टू थाउजेंड रुपीज़ सो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू पीपल टू परचेज़ दैट यू डोंट वरी आप आ, नहीं ले किसी भी तरीके का स्ट्रेस आई अश्योर यू अगर फाइनल एग्जाम में आपके पास थर्टी क्वेश्चन आते हैं और बाकी इंस्टीट्यूट्स के बच्चे बीस बीस करके आएंगे ना आप तेईस करके आएंगे यू विल स्कोर मोर देन देम यू बी रेस्ट अश्योर्ड एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस ठीक है तो ये तो हो गया ये देन आफ्टर बुक्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सर हाउ मनी लेक्चर्स देखिए इनिशियली मैं क्या कर रहा हूँ अभी मैं आपको ज़्यादा कंटेंट नहीं आई एम नॉट प्रोवाइडिंग यू सच अमाउंट विच यू कैनॉट च्यू और डायजस्ट अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ आई एम कीपिंग द लेक्चर्स विद इन फोर्टी मिनट लिमिट जैसे जैसे विल प्रोसीड जैसे जैसे विल कैच रिदम जैसे जैसे यू पीपल विल बी कम्फर्टेबल इन स्टडिंग इट तो मैं लेक्चर्स को थोड़ा एक्सटेंड आई विल एक्सटेंड दैम टू वन आर डेली ठीक है तो रफली आप रखिए समवेयर अराउंड फिफ्टी लेक्चर्स प्लस माइनस फाइव वैसा होगा देर इज़ वन मोर क्वेश्चन सर रिवाइज कैसे किया जाए ये पोर्शन का रिवाइज़ या जनरली आप किसी भी पोर्शन का रिवाइज़ कैसे करें देखिए रिवाइज़ करने का सिंपल तरीका है रिवाइज़ करने का तरीका ये है पहली बार आप लेक्चर सुने आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाए पहली चीज़ समझ आ रही है? फिर बिफोर गोइंग टू स्लीप या कभी आप फ्री टाइम है बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर कम्स इन नेक्स्ट लेक्चर से पहले क्या कीजिए आप हेडफोन्स या एयरफोन्स अपने प्लग इन कीजिए अपने कानों में और जो ये लेक्चर है जो आपने ऑलरेडी सुना हुआ है उसको आप वन पॉइंट फाइव या वन पॉइंट सेवन फाइव स्पीड से सुनिए ठीक है वन पॉइंट फाइव स्पीड से बस सुनिए देखिए मत जस्ट लिसन टू इट ठीक है तो पहली चीज़ तो ये आपको करनी पड़ेगी दूसरी चीज़ आपको करनी पड़ेगी सैटरडे संडे जो आपका रिविज़न टाइम होता है तो आपने जो अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाए हैं अगर बनाए हैं तो वरना आप जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ नोट्स वहाँ से भी देख सकते हैं अदरवाइज़ जो एम सी क्यू एग्ज़ाम्स की खासियत ये होती है और इवन इन केस ऑफ सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स कभी मैं बताऊँगा वो आपको कैसे बनाने हैं ठीक है तो सैटरडे संडे आप रिविजन कीजिए यू गो थ्रू द पोर्शन अगेन फिर जब नेक्स्ट सैटरडे संडे आएगी जो आपने पिछला सारा पढ़ा है उस दिन आपको देखना पड़ेगा वो सारा तो जब आप पहली बार अपने नोट्स के थ्रू जाएंगे इट माई टेक यू ट्वेंटी मिनट्स द फर्स्ट टाइम जब आप दूसरी सैटरडे संडे उन्हीं नोट्स को रिवाइज करेंगे इट विल टेक यू लेसर टाइम एज यू मूव फॉरवर्ड आपको कम कम टाइम लगता जाएगा एंड दिस इज द वे टू रिवाइज ठीक है तो उसके बाद एक क्वेश्चन है हाउ ऑफन विल लेक्चर्स कम लेक्चर्स विल कम ऑल वीक एक्सेप्ट बारिंग सैटरडेज और संडे सैटरडे संडे ठीक है सैटरडे संडे लैक्चर्स नहीं आएंगे संडे तो डेफिनेटली नहीं आएँगे ठीक है ये थोड़ा वी हैव टू टेक केयर ऑफ आर सेल्स एज वेल तो थोड़ा अपने लिए भी टाइम होना चाहिए सन्डे तो डेफिनेटली लेक्चर नहीं आएगा अब कल भी सैटरडे uh, है कल का मैं देखता हूँ इफ इट इज़ पॉसिबल फॉर मी टू मेक वन लेक्चर फॉर टमोोरो उसका मैं कर दूंगा लेकिन इन जनरल सैटरडे संडे लेक्चर्स नहीं आएंगे लेक्चर्स विल कम ओनली ड्यूरिंग द वीकडेज एक्सेप्ट वीकडेज तो एक्सेप्ट ऑन वीकेंड्स दैट इज सैटरडे संडे ठीक है तो उसके बाद सर आप अपना इंट्रोडक्शन आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया तो ये भी कुछ क्वेश्चंस आए थे कपल ऑफ थे जो पूछ रहे सर आप अपने बारे में एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं आई डोंट रियली लाइक टू टॉक और ब्रैग अबाउट माई सेल्फ तो ये ये किया है वो वो किया है वगैरह वगैरह इवन अ वेरी क्लोज़ फ्रेंड ऑफ माई शाहनवाज साहब हैं उनका नाम तो ही टोल मी यू शुड हैव इंट्रोड्यूस टू यल्फ तो ये आपको कहना चाहिए था या इवन सुमित जी वॉज़ आस्किंग मी टू गिव अ ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन तो मैं उसमें एक्चुअली बिलीव नहीं करता इफ़ यू लाइक द कंटेंट आपको लग रहा है यहाँ से फायदा है दैट इज़ इनफ फॉर मी तो फिर भी मैं आपको बताऊँ uh, मैंने यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ what qualifications एंड ऑल आई हैव तो आई हैव एन एम टेक इन मेकेल इंजीनियरिंग फ्राम एन आई टी श्रीनगर और साथ ही साथ जो ये इस कोर्स का रिलीवेंस है मैंने एक 2019 में असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम दिया है जिसका मैंने रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई किया है और मैं इंटरव्यू के लिए भी बैठा हूँ तो मेरे पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि सिमिलर एग्ज़ाम में आपको कैसे प्रिपेयर भी करना है और इंटरव्यूज़ भी आपको कैसे फेस करने हैं ठीक है तो ये दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन तो देन वी ऑन हॉन्ट थोड़ा अब फन क्वेश्चन है मैं इसलिए इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ इसको क्वेश्चन आंसर सेशन में आई अंडरस्टैंड इससे थोड़ा स्टूडेंट्स के, uh, के साथ एक कनेक्ट हो जाता है दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमैनिटी मैन इज़ अ सोशल एनिमल तो जब आप जानते हैं किसी के बारे में तो थोड़ा बेटर फील होता है और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग में भी बहुत फ़र्क आएगा तो शायरी मेरे जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बाय द वे फॉलो करते हैं उन्होंने मेरा एक पोस्ट देखा है जिसमें एक शायरी लिखी हुई है देर आर कप कपल ऑफ लाइंस रिटर्न वो लिख कह रहे हैं ये किसने लिखी है वो मैंने ही लिखी है आई सम टाइम्स इन माय लेजर टाइम लाइक टू राइट दिस उर्दू शायरी तो मैं उर्दू शायरी पढ़ना पसंद भी करता हूँ और बाय द वे हॉबीज़ में जब मेरे को फ्री टाइम मिलता है बीन्ड दिस उर्दू शायरी like आई लाइक टू रीड थ्रिलर और मिस्ट्री नावल्स शरलॉक होम्स टाइप वगैरह ठीक है तो एक क्वेश्चन है क्या है इनायत साहब ने वो कह रहे हैं सर इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा इंग्लिश इम्प्रमेंट का इनको मुझे इनका समझ आ गया ही इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट वर्बल इंग्लिश ही इज़ टॉकिंग अबाउट जो एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है वो हम कैसे क्वालिफाई करें तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको दो चीज़ें पैरली करनी पड़ेगी जो हमारे यहाँ रेस्पेक्टेड टीचर हैं जो भी आपको इंग्लिश यहाँ पर पढ़ाते एक तो आप उनके लेक्चर्स कंटिन्यूसली देखें ठीक है वो जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप वो देखें साथ साथ आपको क्या करना चाहिए आपको एक ऐप डाउनलोड करनी चाहिए जिसका नाम है अड्डा टू फोर सेवन मैं आई एम नॉट एसोसिएटेड इन एनी वे विद दैम मैं खुद भी इससे हेल्प लिया हूँ तो इसीलिए मैं आपको भी कह रहा हूँ तो अड्डा टू फोर सेवन जब आप इंस्टॉल करेंगे इसमें होते हैं सेक्शनल टेस्ट ठीक है सेक्शनल टेस्ट में क्वेश्चन होते हैं दे कैन रेंज फ्राम फाइव टू ट्वेंटी एनी वेयर यानी एक एक सेक्शनल टेस्ट होता है पाँच क्वेश्चन वाला दस क्वेश्चन पंद्रह और बीस क्वेश्चन वाला तो आप क्या कीजिए वो वो जो टेस्ट होते हैं सेक्शनल टेस्ट दे कैन बी ऑन फिल इन द ब्लैंक्स सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड ऑल एवरी थिंग जो भी एग्जाम्स में आता है तो आप शाम को या कभी भी जब आपको फ्री टाइम मिले हर दिन एक या दो टेस्ट दीजिए वो आप आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं कोई गेम खेल रहा हूँ तो एक टेस्ट दीजिए इट विल नॉट टेक यू मोर देन फाइव मिनट्स ईच डे और जब आप टेस्ट देंगे जब आप आंसर्स करेंगे ना एट द एंड ऑफ द टेस्ट वहाँ पे आपको एक एक्सप्लेनेशन दी होगी कि वो आंसर क्यों करेक्ट है तो आप उस एक्सप्लेनेशन के थ्रू जाइए एंड बट एन्जॉय दिस प्रोसेस डोंट टेक इट एज अ जॉब टेक इट जैसे मैं कोई गेम खेल रहा हूँ जैसे फिल फिलना ब्लैंक्स का पाँच क्वेश्चन वाला या दस क्वेश्चन वाला इन केस यू डोंट फाइंड द टेस्ट तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो जल्दी जल्दी क्विकली आपके लिए लेके आऊँगा ठीक है ये तो हो गया ये तो वो तो मैंने बता दिया अर्जेंटीना इज़ अ साउथ अमेरिकन कंट्री एक क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस सर बिटवीन पार्टनरशिप और कॉपरेशन देखो बेटा सिंपल में ये है कॉपरेशन के अलावा जो भी लोग इकट्ठे आते हैं दे कम फॉर बिजनेस पर्पज दैट इज़ फॉर अ प्रॉफिट मोटिव पार्टनरशिप भी यही है बिजनेस ओनरशिप के कुछ टाइप्स है जैसे एक टाइप है जिसको कहते हैं सोल प्रोपराइटरशिप यानी एक ही बंदा बिजनेस ओन करता है अपने ही पैसे लगाता है फिर वर्कर्स वर्कर्स को ले आता है स्टाफ को ले आता है और पैसे कमाता है पार्टनरशिप भी बिज़नेस ही है बिज़नेस ओनरशिप का टाइप ही लेकिन इसमें दो से ज़्यादा लोग आते हैं यानी दो या दो से ज़्यादा लोग तो एक एक को कहते हैं ईच वन ऑफ द पार्टनर्स इज़ कॉल्ड अ पार्टनर भाई द वे और इकट्ठे उनको कहा जाता है फर्म ठीक है तो जहाँ पे पार्टनरशिप होती है उस कंपनी को फर्म कहा जाता है तो पार्टनरशिप ही लेकिन बिजनेस ही है कहने का मतलब इनको भी क्या कमाना है प्रॉफिट ठीक है जबकि कॉपरेशन इज़ जस्ट ऑपोजिट टू पार्टनरशिप क्योंकि ये इसका काम है ही नहीं प्रॉफिट कमाना का इसका काम है सर्विस प्रोवाइड करना अगर प्रॉफिट बनता है तो अच्छा अगर नहीं बनता इट इज़ नॉट रियली नेसेसरी ठीक है तो क्या कहते हैं दिस इज़ द वन डिफ्रेंसीशन तो इसी में मुझे एक और चीज़ याद आई कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर एन क्या है एन जी ओ और कोऑपरेटिव में क्या डिफरेंस है तो पार्टनरशिप या जनरल बिजनेस अदर बिजनेस और कॉपरेटिव का आपको पता चला एन जी ओ और कॉपरेशन में क्या है अगर कॉपरेशन में सरप्लस आता है या जैसे फॉर एग्जाम्पल दो मेजर डिफरेंसेस है रातर पहला तो ये है अगर कॉपरेशन में प्रॉफिट आया ये अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ठीक है एन जी ओ में वैसा नहीं है एन जी ओ में अगर ईयरली चैरिटी वैरिटी आई या ये कुछ साइड में कुछ काम भी करते हैं सपोज नॉट फॉर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तो ये वो अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते ठीक है अगर प्रॉफिट्स आए भी दे कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट ईच मेंबर या तो वॉलेंटियरली काम करता है या तो सर्टन वेज पे काम करता है समझ आ रही बात तो यहाँ पे तो प्रॉफिट अगर आए भी एन में तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता जबकि यहाँ पे सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है दूसरी चीज है कॉपोशन में जो मेंबर्स होते हैं उनको अपना पैसा इनिशियली पूल करना होता है यानी एनी मेंबर ऑफ द कापरेटिव ही हैज़ टू पूल अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी काम ज़्यादा वो ये मैटर नहीं करता उनको देना पड़ता एन जी ओ में वो नेसेसरी नहीं है ये किसी बुक को भी एन जी ओ का मेम्बर बना सकते हैं ऑफ द फैक्ट उसने पैसे दिए या नहीं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अगर वो क्वालिफाइड है वो इससे पहले कहीं काम कर चुका है एंड इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एन जी ओ दे कैन हायर हिम समझ आ रही बात सो so, इतने ही क्वेश्चन है इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन तो मैं इस लेक्चर को अब यहीं पे कंक्लूड करता हूँ अगर आपके पास और कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आई पर मैसेज कर सकते हैं आई एल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन तो आई थिंक दिस शुड बी इनफ फॉर टुडे एक्चुअली मैंने सोचा था मैं आपको आज और कुछ भी पढ़ाऊँ लेकिन सिंस वी हैड लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम और मैं आज ज़्यादा इनिशियली इन लेक्चर्स को ज़्यादा खींचना नहीं चाहता So I'll, I'll be concluding, I'll be ending it here only.